हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश, आप सभी का दोस्त, आपका हमसफर, आपका गाइड, आपके लिए आज लेके आया हूँ मेरे YouTube चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में शायद सबसे भयावह नाम, जिसे हम HIV एड्स कहते हैं। एड्स नाम अपने आप में भयावह और दर्दनाक एहसास दिलाता है दोस्तों। बीमारियों में ऐसे जब पीड़ित होता है इंसान या उसके दायरे में आ जाता है, बीमारी की जो तकलीफ है वो तो है ही है, मगर जो बदनामी है वो अलग है। आज भी हम सोशली इतना इक्विप्ड नहीं हुए हैं कि ये सारी चीज़ों को हजम कर जाएं और एक एड्स पीड़ित इंसान को गले लगा सकें, उसका समस्या का समाधान कर सकें। दोस्तों, दोष सब करते हैं, कहते हैं चोरी जिसका पकड़ में आ जाता है उसे इंसान चोर कहता है, जो पकड़ में नहीं आता है वो सफ़ेद पोशाक पहन के हमारे बीच में घूमता है। दोस्तों, इसलिए एड्स की बीमारी को बीमारी नहीं बल्कि एक जानलेवा बीमारी का जरिया कहना गलत नहीं होगा। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति जीने की उम्मीद खोकर मरने की राह देखने लग जाता है। इसलिए हम सभी को एड्स के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों रखनी चाहिए, उसका प्रिकॉशंस जानना चाहिए और उससे बचने की सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, तभी हम इससे बच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान सिर्फ किसी से फिजिकल रिलेशनशिप कायम करने के बाद ही उसको एड्स होती है। ज़रूरी नहीं है एक इंसान के साथ जाके हम बिस्तर होने से ही ये समस्या की उत्पन्न होती है। नहीं दोस्तों, कई लोग तो इसका फुल फॉर्म भी नहीं जानते, इसलिए मैं पहले वहीं से बात शुरू करूंगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन एंड एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको कहा जाता है, यानी HIV और एड्स को अगर फुल फॉर्म कहा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन एंड एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स बल्कि इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो HIV एड्स जो वायरस है, ये ऐसी बीमारी है अगर ये हमारे पीछे पड़ जाता है दोस्तों, मरने तक साथ नहीं छोड़ता। कई तरह का इसका प्रिवेंशन आ चुका है, मगर अभी तक उतना कारगर चीज़ें नहीं आया है जिसके कारण वी आर सफरिंग ए लॉट। हमें तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट नहीं होती, कुछ नहीं होती, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हमको ज्ञान प्राप्ति नहीं है, जिसके कारण हम लोग धीरे धीरे जब हमको पता चलता है तब तक और 10 बीमारी हमारे कंधे पर बैठ जाती है। दरअसल एड्स HIV वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। यह तब होता है जब व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ने से कमजोर पड़ जाता है और तब यह और विकसित होता है। जब HIV इन्फेक्शन बहुत अधिक बढ़ जाता है, एड्स HIV इन्फेक्शन का अंतिम चरण में पहुंच जाती है जब शरीर स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता और शरीर में कई प्रकार की बीमारियाँ संक्रमण होने लगते हैं। HIV शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता का सारी चीजें खत्म कर देती है, जिसका काम शरीर को संक्रमण, बीमारियां, जीवाणु और पॉइजन ये सब से बचाना होता है, उसको HIV एड्स खत्म कर देती है। HIV रक्त में उपस्थिति प्रतिरोधी पदार्थ लसीका कोशी पर हमला करता है। ये पदार्थ मानव को जीवाणु और विषाणु जनित बीमारियों से बचाते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। जब HIV द्वारा आक्रमण करने से शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता क्षय होने लगते हैं तो इस सुरक्षा कवच को बिना एड्स पीड़ित लोग भयानक बीमारियों, क्षय रोग और कैंसर आदि से पीड़ित होने लगते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि HIV एड्स अगर होने लग जाता है, अगर शरीर में वो एक बारी आ जाता है तो शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाता है, यानी जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसके कारण और जो भयंकर बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर है, TB है,
ये सब बीमारी दोस्तों होने का खतरा 100% बढ़ जाती है। थोड़ा सा भी जुकाम तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है बड़े बड़े प्रॉब्लम में। थोड़ा सा सर्दी हो गया और वो लंग्स वगैरह को ख़त्म कर देता है, और वो फेफड़ा जो है, हमारा जो फुसफुस है, हमारा जो लंग्स है, वो आपका बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। शरीर में जॉइंट्स अफेक्टेड हो जाते हैं, लीवर काम करना दोस्तों बंद कर देता है, जॉइंट काम करना बंद करता है, हार्ट लंग्स लीवर किडनी वगैरह का जो कोऑर्डिनेशन है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण हम गंभीर से गंभीर बीमारी के दायरे में आने लग जाते हैं। इसका मतलब है ये वो चाबी है जो सारे बड़े बड़े बीमारियों को हमारे कंधे पे बिठाना शुरू कर देता है। ये दोस्तों सबसे बड़ी घातक समस्या HIV एड्स के कारण होती है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप इससे बचोगे कैसे। आज मैं वो चीज़ें आपको कोशिश करूँगा समझाने के लिए कि हम सब मिलकर ये भयंकर बीमारी से दोस्तों कैसे निकल के आए, किस तरीके से जो जानलेवा बीमारी जो हमको कहते हैं ना फॉरेन डिजीज, बल्कि इसको कहा जाता है हमारे देश में, इसको फॉरेन डिजीज कहा जाता है, अर्थात ये बीमारी विदेश से ही दोस्तों आया है, क्योंकि हम तो संस्कारी थे, हम तो अपने जो पूर्वजों का संस्कार को लेके जी रहे थे। तभी मैंने जो कल वीडियो बनाया था कि अपने जीवन को सरल, अपने जीवन को थोड़ा रिलीजियस, अपने जीवन को हमारे पूर्वजों का जो बताया हुआ बनाया हुआ तरीके के साथ जीना, ये चीज़ें हम जब से दोस्तों छोड़े हैं तब से वी आर सफरिंग। ये चीज़, ये बीमारी, घातक बीमारी आया कहाँ से? अबनॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जो विदेशों में चलता रहा इतने सालों से, उसी का तो ये नतीजा है, उसी का तो ये संतान है, वहीं से तो इसकी पैदाइश ही है। हम जब वहां पहुंचे, उस कल्चर के आदि हो गए, अपने आप को आधुनिक कहने लगे, वो आधुनिकता ही तो हमें मार डाला। क्यों बोला गया था भाई आप टाइम में शादी करोगे, टाइम में बच्चा करोगे, 5 जगह रिश्ता नहीं रखोगे, आप कोई जैसे कॉलगर्ल्स, बेस्या, ये सब चीज़ों से दूर रहोगे, सब हमारे बड़ों ने हमको बताए थे और हमने उसको ओवरटेक किए। अपने आप को ज़्यादा ज्ञानकार जब से हमने समझे, जब से हम ज़्यादा अपने आप का आधुनिक दिखाने को प्रयास किए, तब से दोस्तों हमारा नींद गायब करने वाली बीमारियां हमारे गले पड़ गए। अब जब गले पड़ गए तो बजाना तो पड़ेगा ही। मेरी याद आ रही है एक घटना को, हो जाएगा मेरे ख्याल में अराउंड 15 साल। मैं उस टाइम में आई वॉज इन्वाइटेड बाई SOG कमांडोज का एक ट्रेनिंग, ये है आपका भुवनेश्वर में, वहाँ पे मैं गया हुआ था। चंदका ट्रेनिंग सेंटर का नाम है, वहाँ पे जो फोर्स की जो ट्रेनिंग होती है उन लोगों के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था, पेन मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट अलोंग विथ HIV एड्स का प्रिवेंशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जो मैंने वहाँ बोला था सेम टू सेम, मैं एक पैराग्राफ आपको जरूर सुनाना चाहूँगा जहाँ से मैंने वो लेक्चर दिया था। उस टाइम में मेरे पास इतना साधन नहीं था कि वो सब रिकॉर्ड होके मेरे पास रह पाए, बट लगभग 300-350 गैदरिंग थी और मैं वहाँ पे बात यहीं से शुरू किया था। मेरे साथ एक हॉस्पिटल के ओनर भी गए हुए थे और मैं भी गया हुआ था। मैं ये वहाँ से शेयर किया था कि दोस्तों अगर हम एक ढाबा पे खाना खाने जाते हैं या एक छोटे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं जहां हम देख रहे हैं बाहर सारे बर्तन पड़े हुए हैं, झूठे बर्तन, झूठे डेगची, झूठे कढ़ाई, झूठे प्लेट, झूठी जो मतलब खाना खाने के बाद की जो हालत रहती है, और वहां ये देख रहे हैं कि 4-5 कुत्ते उस प्लेट को और झूठी बर्तन को चाट रहे हैं, खा रहे हैं उससे, ये देखने के बाद हम अंदर गए उस ढाबे के अंदर या वो रेस्टोरेंट के अंदर। वहाँ जाने के बाद तो वहाँ प्रॉपर टेबल है, चेयर है, प्लेट भी है और खाना भी लाके दिया जा रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं शायद हमको वहाँ खाना खाना पसंद नहीं होगा, हमें हो सकता है वहाँ उल्टी भी लगने लग जाए, वोमिटिंग की टेंडेंसी आ जाए, हम वहाँ से हो सकता है भागने की तैयारी करें,
शायद अभी भी आपको अगर ये सवाल पूछो आप भी यही जवाब दोगे, नहीं हम तो सर वहाँ खाना नहीं खा सकते जहाँ हम झूठे बर्तन को कुत्ते चाटते हुए देख के जाएं और अंदर जाके हम खाना तो नहीं खा सकते, चाहे वो कितना भी सजाड़ के हमें, कितना भी सुंदर करके हमें परोस दे। क्यों दोस्तों नहीं खा सकते? वो तो प्लेट धो लिया गया, अब वो प्लेट को कुत्ता चाटे कोई भी चाटे, मगर आप तो आपके प्लेट जो आपके सामने है वो तो धुला हुआ है ना, फिर क्यों नहीं खा सकते आप वो स्वादिष्ट खाने को? आप दोस्तों इसलिए नहीं खा सकते, जवाब बहुत ही सहज और सरल से मैं देना चाहूँगा, क्योंकि आप अपने आँखों से देखे कि उसको किसी दूसरे ने चाटा हुआ है। तो दोस्तों घर का खाना परोसने के लिए कोई तैयार है, वो परोस रहा है, भरोसे के साथ हमें दे रहा है, मगर हम अगर घर के बाहर गए तो हम वो थाली का खाना खाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जिसे हमारे पहले कईयों ने चाट चुके हैं। मैंने उस प्रोग्राम में ये बोला कि आपका जो वहां पे खाना दिया गया वो कैसा है ना, वहां रिक्शा पुलर भी आया, वहां पे ऑटो वाला भी आया, वहां पे ट्रक चालक भी आया, वहां ड्रग्स अब्यूस्ट भी आया, वहां पे राह चला कोई भी आया उसका इस्तेमाल किया, उसके साथ उसने सोया बैठा जो भी किया, और उसके बाद हम भी फिर धुल के आ गए और हम फिर जाके उसके साथ वही चीजें कर रहे हैं, अर्थात ये वो ढाबा वाली एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल फिट बैठ गया कि हम अगर वो प्लेट में नहीं खा सकते दोस्तों क्योंकि उसके पहले उसको किसी अदर तरीके से अदर चीज इसके दर एनिमल के तरह उसको यूज किया गया, हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये चीज भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा मन उससे पीछे हट गया। तो मैं ये सवाल वहां पे पूछा हुआ था कि अगर हमको किसी ने देश के सेवा के लिए भेजा हुआ है क्या हम ऐसे जगह पे जा सकते हैं वो काम करने के लिए? सारे लोग बोले नो सर हम नहीं जा सकते। मैं बोला जिस देश ने आपको इतनी ताकत दिया है, इतना ट्रेनिंग दिया है, इतनी आपको मसल्स डेवलप कराया गया है, फिजिकली आपको स्ट्रेंथ दिया गया है, मेंटली आपको स्ट्रेंथ दिया गया है, आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप जाओगे? सब बोले नो सर। तो दोस्तों सेम चीज आप लोग के सामने रख रहा हूं कि अगर हम एक बारी ठान लें कि हमको अपना फिजिकल रिलेशनशिप, अपना निजी जिंदगी को सीमित करना पड़ेगा, दोस्तों पॉइंट नंबर वन नोट करिए, हमको सीमित करना पड़ेगा, छोटा दायरा करना पड़ेगा। कभी मेरी याद आ रही है मैंने एक किताब लिखा था, किताब के ऊपर एक स्लोगान दिया था, उसमें मैं ये बोला था लर्न सेक्स अवॉइड स्ट्रेस नो सेक्स नो लाइफ ओनली सेक्स विथ वाइफ स्टॉप इट्स। आई एम रिपीटिंग, ये बात हो जाएगा 20 साल के पहले की बात, मैं तब भी प्रोग्राम करता था मगर मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाता, मेरे पास उसको हाईलाइट करने की कोई तरीका नहीं था। तो एक किताब उस टाइम में लिखा था सेक्स हो दाम्पत्य जीवन, कि हमारी दाम्पत्य जीवन कैसी होनी चाहिए और एक अच्छे सेक्सुअल लाइफ के साथ, एक अच्छा फिजिकल रिलेशनशिप के साथ, एक अच्छा हमको संतान कैसे मिले और उसकी हम अच्छा परवरिश कैसे करें। मैंने कोशिश किया, मैं कोई महामानव नहीं हूं, मुझे महामानव बनाने को कोशिश भी मत करना, हमारी वही तो मैं पहले भी बताया हूं कि हमारी वीकनेस का तो बाकी लोग फायदा उठाते, तभी तो एक नींबू हमारा 5,000 में बिकती है बाबा लोगों के द्वारा। नींबू 5 रुपया है दोस्तों, उसको 5 रुपया रहने दीजिए। कई बार मैंने कमेंट में देखा हूं या व्हाट्सएप भी करते हैं, भगवान डॉक्टर दरबेश, गॉड डॉक्टर दरबेश, अरे ऐसे कैसे चलेगा? भगवान ने हम सब उसी के हैं, उसी के संतान है, और हमें जो कर्तव्य बोला गया है हम उतना ही करनी चाहिए। वीक मत होइए, ये सब बोलना भी एक वीकनेस का ही तो लक्षण है कि एकदम चढ़ा दो किसी को आसमान में और फिर अगर अपना स्वार्थ साधन ना हो फिर उसको नीचे गिरा दो, ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। अपने स्वार्थ के लिए हम सारा कुछ करेंगे ऐसे नहीं चलेगा, किसी को भगवान बना दो, किसी को देवता बना दो, किसी को देवी माँ बना दो और फिर साधन ना हो, अपना फायदा ना हो, उसको फिर लाके नीचे पटक दो, नहीं। जो डॉक्टरी कर रहा है उसको डॉक्टरी करने दो, जो टीचरशिप कर रहा है उसको टीचरशिप करने दो, जो गाइड है उसको गाइड रहने दो, और मिल बांट के आपस में डिस्कशंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आप देखोगे वक्त आएगा हम बड़े बड़े मुसीबत से निकल जाएंगे। वी आर डिस्कसिंग ईच अदर, आप मुझे नहीं देख पा रहे हो अलग बात है, आप महसूस तो कर सकते हो कि मैं भी आपके जैसा हूं, मैं कोई मंगल ग्रह से नहीं आया हूं, मैं भी इसी धरती का हूं, मुझे भी 5 बीमारी है या आगे 5 बीमारी होगा, मगर प्रिकॉशंस के लिए पूरा कोशिश किया जा रहा है, प्रिवेंशन पूरा लिया जा रहा है, और कोशिश ये रहती है कि मैं जो आपको बता रहा हूं मेरे पे भी अप्लाई करूं, मेरे परिवार पे भी अप्लाई करूं, मैं भी करता हूं आप भी करो, हम मिल बांट के काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और सारे लोग सेहतमंद रहेंगे और अस्पताल और दवाई से दूर जाएंगे, यही तो है मकसद, इसी मकसद को हम सब मिलकर आगे जाएंगे बढ़ाएंगे। तो उस प्रोग्राम में जो मैं बात शुरू किया कि हमारी फर्ज बनती है दोस्तों कि जो खास करके मैरिड लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अनमैरिड के बारे में मैं भी बताऊंगा, बट मैरिड लोग जो
जिनके मतलब मैं मेल को ही ज्यादा अभी बोल रहा हूँ, फीमेल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं थोड़ी देर के बाद, कि दोस्तों अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हो तो आपको विश्वासभाजन होना पड़ेगा, फेथफुलनेस बढ़ाना पड़ेगा। धोखा दोगे तो किसको दोगे? एक बार धोखा दोगे, 100 बार धोखा दोगे, 200 बार धोखा दोगे, कहीं ना कहीं तो पकड़ में आओगे। और वो पकड़ अपनी वाइफ का नहीं है दोस्तों, वो पकड़ HIV एड्स की है, भयंकर बीमारी की, और उस पकड़ से निकलना बहुत मुश्किल है। और आज के दिन में आप सबको पता है धरती में किस तरीके से HIV एड्स फैल रही है। शुरू में तो बड़ा मजा आता है मगर उसकी आखिरी दोस्तों बहुत खतरनाक होती है। जैसे गुटखा खाते हैं बहुत मजा आती है, एडिक्शन हो जाती है, और बाद में जब खतरनाक बीमारी हो जाती है और सारा जो काट के निकाला जाता है, ट्यूमर हो जाती है, कैंसर हो जाती है। फोटो देखो नेट में बैठ के, नेट में बहुत अच्छी चीज़ें भी है दोस्तों, मगर हम कभी अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि बुरा चीज़ हमें जल्दी अट्रैक्ट करता है। जब से मैं भी ना नोएडा दिल्ली शहर की भी बात बता रहा हूँ कि हम पहले डरते थे यार, हम जब नौकरी वगैरह करते थे, पढ़ाई की बात छोड़ो नौकरी वगैरह भी करते थे, अपने घर में अपनी अगर कोई लड़की फ्रेंड है, दोस्त है, बुला नहीं पाते थे, इतनी हिम्मत नहीं थी कि अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे। कभी अगर किसी को लंच में बुलाए भी लिए, भाई तू खाना बना, हम लोग साथ में खाना, मतलब मैं जॉब करने की बात बता रहा हूँ, तो साइड के अंकल आंटी को 10 बार बोलना पड़ता, अंकल आंटी 2 घंटे के लिए आ रही है और आप खाना में आपको भी इन्वाइट कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मगर आज जो अवेयरनेस चल रहा है, जिस तरीके से हम लोग एक मॉडर्नाइज अपने आप को कर रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम विदेश के कल्चर को एडप्ट किए हैं और वो हमें बहुत आगे बढ़ाएगा, दोस्तों आगे क्या बढ़ा रहा है आपको सबको पता है। 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल अगर हमने ये टाइम को अच्छा नहीं बिताए, अच्छे से नहीं बिताए, तो आगे का जिंदगी हमारे लिए खतरनाक तरीके से इंतजार कर रहे हैं और आपके सामने भी हो रहा है। आप देख लो किस तरीके से फ्लैट में, अपार्टमेंट में, कोठियों में, और किस तरीके से हम रह रहे हैं, किस तरीके से आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, सारा सबको पता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करना चाहता, तो कहीं ना कहीं एक लाइन ये हो गया कि हमको अपना पर्सनल लाइफ को सीमित करना पड़ेगा, स्क्वीज करना पड़ेगा और अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। मेरी याद आ रही है किसी के बारे में, बिना नाम लिए मैं बताना चाहूँगा। हर रोज एक जन सज्जन थे, वो अलग अलग ऐसे पावरफुल पोस्ट में थे कि उनको सारे कंट्रैक्टर वगैरह सप्लाई करते थे, सामान तो सप्लाई करते थे और कॉल गर्ल भी शायद उनको सप्लाई करते थे, जिसके कारण उनको हर रोज घर से जाते थे और अलग अलग जगह पे ये चीज़ें वो करते थे। और हर रोज रात को उनकी वाइफ सोचती थी मेरे हस्बैंड ने इतना काम करके आए, दिन भर थकान परेशानी, तो सेवा करती थी। लगभग 16-17 साल ऐसे चलता रहा। एक बार गलती से वहाँ पे रेड हुआ और मैं जगह का नाम भी नहीं बताऊँगा, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने लाइम मतलब पूरे पेपर वगैरह में फ्लैश हो गया उनका, और उनकी वाइफ ने वहाँ दोस्तों सुसाइड कर लिया। क्योंकि एक भरोसा जब रहता है और वो टूट जाता है तो बहुत सारे घर बिखर जाते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों हम चाहने से अपने घर को संभाल सकते हैं, सजाड़ सकते हैं और अपने सेहत को भी अच्छा रख सकते हैं। इसमें सेहत भी जा रही है, इज्जत भी जा रही है और अपना घर परिवार भी डूब रहा है। जो लोग दोस्तों अभी उनकी शादी नहीं हुई है, आपका बचपन ही है, आप बचपन ही एक बहुत ही सुंदर सा जगह है जहाँ हम बहुत सारा क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। जो बच्चे 8 क्लास 10 क्लास 12 क्लास, क्योंकि पहले तो हमारी नॉलेज इतनी नहीं थी, 14-15 साल के बाद जो नॉलेज होती थी, आज के दिन में 10-11 साल में बच्चों को वो ज्ञान हो प्राप्ति होगी, तो और वो ज्ञान जो है वो और तरीके से नेगेटिव तरीके से वो नॉलेज प्राप्ति हो रही है क्योंकि हम लोग इंटरनेट के जमाने में आज के दिन में जी रहे हैं। दोस्तों वो टाइम एक क्रिएटिव टाइम होता है, आप लोग अगर वो क्रिएटिव टाइम को थोड़ा सा दिमाग खर्च करके इस्तेमाल कर लो तो बड़ी बड़ी मुसीबत से दोस्तों हम बच सकते हैं। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो जो आपको रंगीन दुनिया दिख रहा है वो रंगीन नहीं है। चरस, गांजा, अफीम खा के, शराब पी के, ये सब कर्म करके आप कभी ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते। अब्दुल कलाम जी कितने मेहनत से, किस तरीके से राष्ट्रपति लेवल तक पहुंचे, आज हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन किसी को भी पूछ लो, उनके मौत के पहले, उनके मौत के बाद, आज भी एक भी अगर बंदा बोल दे कि बुरे इंसान थे, आप दोस्तों मुझे पूछना क्यों? महत कर्म। ये टाइम में अगर बैठ के यहाँ
एक घंटा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या आधा घंटा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस टाइम में मैं भी कहीं जा सकता हूँ उल्टे सीधे काम करने के लिए? दोस्तों नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अपने लिए वो आसन को तैयार कर रहा हूँ खुद ही मेहनत करके कि मैं वो आसन में बैठूं, आसन से नहीं उतरूंगा। आप भी प्रयास करो, अपने लिए चेयर बनाओ, अपने लिए सोफा बनाओ, अपने लिए आसन बनाओ और उस पर बैठो, बैठ के देखो, आपको बहुत शांति बहुत पीस मिलेगी। जो गलतियां हो गई है हो गए, हम उसको दोस्तों दूर नहीं कर सकते। जो आगे की जो गलतियां आने का चांसेस है, करने का चांसेस है, क्या हम उसको नहीं रोक सकते? बिल्कुल रोक सकते हो। अगर आप कहीं ऐसे जगह पे जाते हो जहां आपको नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं जानी चाहिए, और वहां पहुंचते हो या पहुंचने के पहले मेरी आवाज को जरूर याद करो। मेरी पूरी कोशिश है, आपके दिल दिमाग तक मेरी आवाज को मैं डाल रहा हूं कि दोस्तों आप ऐसा काम कभी नहीं करोगे जिससे आपका घर टूटे, जिससे आपका शरीर टूटे, जिससे आपकी जीवन बर्बाद हो। दोस्तों ऐसा कोई कर्म आप नहीं करोगे जिससे आपका सारा जो भविष्य है वो अंधकार में चले जाएगा। नहीं, आप नहीं जा रहे हो वहां दोस्तों। आप ऐसा कुछ नहीं हरकत कर रहे हो जिससे आपको खुद अपने अंदर ही एक फीलिंग्स, एक बैड फीलिंग्स आए और आपको अपने आप में ही छोटा लगने लगे। अगर आप एक उम्र तक जा चुके हो दोस्तों, मेरे से बड़े भी हो, तो भी आपके लिए यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों सबको वही डुबाया है। बड़े बड़े फिल्म के अभी लोगों को देख लो, सबको वही चीज ने डुबाया है। फिर वो चीज से हम थोड़ा सा अगर डिस्टेंस मेंटेन कर सके तो हम भी बहुत ऊंचाई पे पहुंचेंगे। हमको अच्छा कर्म करना पड़ेगा और अपनी वाइफ उसके लिए तैयार बैठी है दोस्तों, आपको हर तरीके से वो सपोर्ट कर रही है। आप उसका कमी ढूंढोगे तो आपको कभी भी वो अच्छी नहीं लगेगी। आप उसका अच्छा ही ढूंढिए, वो आपको हमेशा अच्छी लगेगी दोस्तों। एक बारी अपने परिवार में, अपने परिवार में आप अच्छा ही ढूंढने को कोशिश करो, अपने वाइफ के अंदर अच्छा ही ढूंढने को कोशिश करो, आपको हर जगह वो अच्छी ही लगेगी। उसका खाना, उसका आपके लिए मोहब्बत, उसका आपके लिए तैयार करना, वो आपके साथ जितना समय स्पेंड करती है वो हर चीज़ आपको अच्छा लगेगा। फिर दोस्तों आप गुनाहों के रास्ते में नहीं जाओगे और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप एचआईवी एड्स से बच सकते हो। ये इस टॉपिक ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही एपिसोड में दोस्तों खत्म हो जाएगा, ये डिस्कशन चलेगा, इसके आगे भी डिस्कशन चलेगी, मगर आज जो मैं केंद्रीभूत कर रहा हूँ, सेंट्रलाइज कर रहा हूँ, वो है अपनी पत्नी का इज्जत करना, अपनी पत्नी को आदर करना, अपनी पत्नी को सम्मान देना, अपनी पत्नी के अंदर प्यार ढूंढना, अपनी पत्नी को गले लगाना, चाहे उम्र आपकी कुछ भी हो। कमी ढूंढो मत, अगर वो मैं कहता हूं खराब भी है तब भी आप उसको अच्छा कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने आपको वो शक्ति दिया है। सारा दुनिया आप चला लेते हो, फैक्ट्री चला लेते हो, इंडस्ट्री चला लेते हो, ऑफिस चला लेते हो, इंस्टीट्यूट चला लेते हो, आप बिजनेस चला लेते हो, दुकान चला लेते हो, 10 लोगों को अपना बात मना लेते हो, फिर आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं चला सकते? तो मैं कहूंगा गलतियां उनकी नहीं है, गलतियां हमारी हैं दोस्तों। मैं अगर ये सारा काम अभी समाज सेवा कर रहा हूं, मैं अगर अपनी वाइफ को साथ में लेके सब काम नहीं कर पा रहा हूं, गलती मेरी है, मेरी वाइफ की नहीं है, मैं खुलेआम आपको पूरा बता रहा हूं। इसलिए पहला सपोर्ट हमारे परिवार से मिलनी चाहिए, उसका सपोर्ट अगर रहेगा, वो वाइफ का अगर आपके लिए अच्छापन रहेगा, आपके लिए मतलब दुआएं रहेगी, आपके लिए वो दुआ करती रहेगी हाथ फैला के, दोस्तों आपका बरकत को कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे आपके नौकरी में हो, चाहे आपके सेहत में हो। वो इधर हाथ फैला के दुआ मांग रही है मंदिर मस्जिद जाके कि मेरे हस्बैंड अच्छा रहे, अच्छा हेल्थ उसका मेंटेन हो, और हम जाके वो दुआ करने का समय में हम जाके कहीं और कुछ कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा दोस्तों भुगतना पड़ेगा। फिर वो बिचारी जो अच्छी इंसान है, जिसका कोई लेन देन नहीं है उल्टे सीधे काम में, आपने उसको भी आके बर्बाद कर दिया। इट मीन्स एक जन को अगर एचआईवी एड्स हुआ, वो दूसरे के साथ अगर फिजिकल रिलेशनशिप किया तो उससे भी दोस्तों हो गया। इसलिए एक वाइफ का भी फर्ज बनता है, आप डट के मजबूती से अगर आपका हस्बैंड जाके ऐसा कोई भी काम करते हैं, आप उसको रोको। तीसरा बात रहा अल्कोहलिक, अगर हमने नशे में जाते हैं दोस्तों, नशा करने से ही ज्यादा गलत काम हम करते हैं, इसलिए नशे को आपको रोकना पड़ेगा। शपथ लेना पड़ेगा, एक ही बारी 10 बार नहीं, एक ही बारी शपथ लेना पड़ेगा, नहीं छूंगा दारू तो नहीं छूंगा, नहीं सिगरेट पीऊंगा तो नहीं सिगरेट पीऊंगा, नहीं गांजा खींचूंगा तो नहीं गांजा खींचूंगा, नहीं अफीम खाऊंगा तो नहीं अफीम खाऊंगा, नहीं हीरोइन खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। अरे यार, एक बारी सोच लोगे थोड़ा दिन तकलीफ होगी, उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में क्षमता है कि अगर कोई भी चीज आप 15-20 दिन 1 महीना छोड़ दोगे
बॉडी फिर उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा, माइंड उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। कभी भी एक थाली में दोस्तों ऐसा नहीं कि जाके आप पहुंचे और वहां पे खाना खा रहे हो, शराब पी रहे हो, वो धंधा कर रहे हो और उसके बाद घर आके बोल रहे हो मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। नहीं दोस्तों, नहीं छुपा सकते, काले अंधेरे में जो भी कर रहे हो मालिक तो देख रहा है, वो बेचारी नहीं देख पा रही है तो क्या हो गया। तुम ये कर्म कर रहे हो, अगर तुम कहीं और जा रहे हो और सोच रहे हो कि वो भी अच्छा कर्म करे, दोस्तों ऐसा नहीं होगा, दोनों हाथ से ही तो ताली बजेगी। तुम जो करोगे उसका रिफ्लेक्शन तुम्हारे परिवार में पड़ेगा ही पड़ेगा। तुम किसी जगह ऐसे हरकत करोगे तो तुम्हारी स्त्री भी कहीं जाएगी, तुम्हारी वाइफ भी कहीं जाएगी, तुम्हारे बच्चे भी और गलत रास्ते में जाएंगे। एक बार शांत मन से सोचिए, एचआईवी एड्स का ये जो पार्ट वन है इसमें एक जनरल डिस्कशन हमने रखे और कुछ चीजें हमने लाइमलाइट को लाने को कोशिश किए, वो है कि हम वेस्टर्नाइज कल्चर को अवॉइड करें। हमारा जो इंडियन कल्चर है, भारत की जो कल्चर है, उस कल्चर को प्रॉपरली एडप्ट करें, पूर्वजों का बात को माने, ऋषि मुनियों का बताया हुआ तरीके से चलें और जो जिस धर्म में है उस धर्म का सिस्टम को पालन करें, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो आपका प्रेयर हो, चाहे मंदिर मस्जिद में जाना हो और समाज के लिए कुछ कल्याणमूलक काम करना हो, ये सब चीजें अगर दोस्तों हम करते रहेंगे तो हमारा गलत जगह पे गलत संगत पे जाने को मन नहीं करेगा। आप अपने परिवार पे दिल लगाओ, इधर उधर अगर दिल लगाओगे यारी दोस्तों के साथ तो गलत जगह एक जन अगर जाता है वो 10 जन को भी वहां खींचेगा। और गलत चीजों को ना हम जल्दी एडप्ट कर लेते हैं, फिर हमारी एडिक्शन हो जाती है। एक प्रयास शुरू करो दोस्तों। एपिसोड 2 में मैं क्या डिस्कशन करूंगा अभी से बता देता हूं, उसमें हम थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन करेंगे और ऐसा कुछ बातें रखेंगे जो प्रिवेंट करने के साथ साथ जिन्हें थोड़ा थोड़ा साइन एंड सिम्टम्स आ चुका है या जिन्हें एचआईवी एड्स ऑलरेडी हो चुका है, वो आयुर्वेद का कौन सा उपचार करें, एक्यूप्रेशर का कौन सा पॉइंट दबाएं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कौन सा टेक्निक्स अपनाएं, नेचरपैथी को कैसे अपने अंदर लाएं जिससे कि उनका जिंदगी थोड़ा आसान हो जाए, उनका बीमारी थोड़ा कमजोर हो जाए और उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा बेहतर हो जाए। आज इसी बात के साथ दोस्तों मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कहीं अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो जरूर आप उसको अपनाएं और जब इस बात को अपनाओगे तो आप पाओगे कि हर पल आपका बरकत हो रहा है, सेहत में भी और फाइनेंशियली भी, और अपना परिवार परिवार के अंदर आनंद आने लग जाएगा दोस्तों। वाइफ अगर जो लेडीज हैं वो सुन रहे हैं तो अपने हस्बैंड को जरूर सुनाएं, जो हस्बैंड सुन रहे हैं वो वाइफ को सुनाएं। मेल फीमेल के लिए मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, हम सबकी जिम्मेदारी है दोस्तों हमारे सेहत को बचाना, और कम से कम इस तरीके का जो खतरनाक सेक्सुअल डिजीज है उस चीज़ों से बिल्कुल बच के रहना। और इसके साथ साथ लास्ट में जब मैं इस एपिसोड को क्लोज कर रहा हूँ आपको बताना चाहूँगा, यूरिन जहाँ भी पास करते हो वो जगह जरूर देख लो, थोड़ा पानी डाल दो या अपने साथ थोड़ा डेटल वगैरह छोटा मोटा ऐसे रखो, कोई प्रिवेंटिव चीज़ें वो डाल के फिर दोस्तों यूरिन पास करो। मॉल वगैरह वगैरह में देखता हूँ वो जो भी कहा जाता है ये ग्रीन सीट है इसमें पेशाब करो ये करो, फिर भी मुझे नहीं लगता कि 100% वो फुल प्रूफ है। आप अपना प्रिकॉशन जरूर लें जिससे कि आपको कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, और लेडीज को खासकर इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और आप भी हस्बैंड को थोड़ा से सजाड़ने की कोशिश करें और उन्हें भी बताएं किस तरीके से प्रिकॉशंस लेना है, और थोड़ा भी इन्फेक्शन का अगर खतरा होता है तो आप तुरंत उसका जैसे कच्ची हल्दी वगैरह मैं बोलता हूँ, कच्ची हल्दी आप सुबह खाली पेट में नॉर्मल वाटर से आप ले लो, 20-25 ग्राम अगर कच्चा हल्दी लेते रहोगे तो आपको इन्फेक्शन दोस्तों नहीं लगेगी, आपका जॉइंट वगैरह अच्छा रहेगा, हार्ट लंग्स लिवर किडनी अच्छा काम करेगा, आप स्वास्थ्यवान रहोगे, आपको दर्द वगैरह भी दोस्तों नहीं होगी। इसी बात पे इस वीडियो को दोस्तों समाप्त करते हैं और पौधा जरूर लगाएंगे। जो लोग अभी तक पौधा वगैरह लगाए हो इस वीडियो जब से चल रहा है और देख रहे हो तो आप जरूर मेरे से कमेंट बॉक्स में शेयर करो कि सर मैंने पौधा लगाया, जो जो शहर के हो जरूर वो बात भी लिखो, इससे एक मोटिवेशन दूसरों को मिलेगी। हम ऐसे करके एक बड़ा आकार इसको दे सकते हैं क्योंकि दुनिया बदलने के लिए 1000 लोगों की जरूरत नहीं है, एक इंसान ही दुनिया बदल सकता है, हो सकता है कि वो आप हो। किसी प्रोग्राम में मैंने बोला था कि किसने जाना किसके अंदर धीरूभाई अंबानी छुपा हुआ है, जब 3-4 क्लास या 7 क्लास पढ़ाई करके धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल कंपनी का मालिक बनने को कोशिश किए और एक समय आया पेट्रोल पंप में काम करते करते सपना देखने वाला एक लड़का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया जो आज
किस लेवल पे पहुंचा सबको पता है, तो किसने जाना किसके अंदर धीरूभाई अंबानी छुपे हुए हैं, इसी बहाने हमने उनको भी याद कर लिए और जो भी कुछ बड़ा काम किए हैं हम सब उनका अच्छे चीज को याद करके दोनों दोस्तों आगे बढ़नी चाहिए, हम इंस्पायरेशन उनसे लेनी चाहिए। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा अब्दुल कलाम जी से इंस्पायरेशन लो, आप अगर आप इंडस्ट्री वगैरह करना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ फैक्ट्री बनाना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप धीरूभाई अंबानी जी का भी इंस्पायरेशन ले सकते हो। फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। क्रिकेट में जैसे बहुत सारे दिग्गज हैं, तेंदुलकर जी हैं और कपिल देव जी हैं, गावस्कर जी हैं, ये सब का आप वो ले सकते हो। तो एक अपने सामने ना कहते हैं गुरु खड़ा करो, एक लव्य जैसे खड़ा किया था ना उसी तरीके का एक गुरु खड़ा करो, उस गुरु को गुरु बना के फिर पूरे लग जाओ उस कर्म में धर्म में, पूरा एकदम मस्त हो जाओ, फिर दुनिया का कोई गलत काम आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप आगे बढ़ते जाओ दोस्तों, आपके पीछे शक्ति काम करेगी, माइक्रो लेवल पे काम करेगी, आप समझ नहीं पाओगे कब आप उस मंजिल पे पहुंच गए हो। दोस्तों ये मेरी जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव हमने भी देखे हैं, मगर जब मालिक ने देना शुरू करता है दोस्तों, वो ताकत आपके पीछे काम करती है और वो ताकत काम कर रही है, सिर्फ आपको एहसास करने की ज़रूरत है। इसी बात के साथ इस एपिसोड को दोस्तों समाप्त करते हैं। आपका दोस्त आपका हम सफ़र डॉक्टर दरबेश यहीं पर विदा लेता, फिर एक नई एपिसोड हो सकता है HIV 2 ही हम बना के आपके सामने उपस्थित। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।